नमस्कार, JNI न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन के प्रभारी उत्तर प्रदेश रविंद्र कुमार सिंह और रवि सिंह के नेतृत्व में आज 5 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया। आइए देखते हैं बाराबंकी से मयंकर यादव की रिपोर्ट। आपने परिचय बताइए, किन मुद्दों को लेकर आज आपने ज्ञापन सौंपा है? मैं रवि सिंह, प्रभारी उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन भदौरिया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी के महोदय से मैंने जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया है, जिसमें हमारे खैर मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन उसमें दो मुद्दे जो हमारे बहुत अहम हैं, जो कि कई वर्षों से गन्ने के मूल्य में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, उसकी बढ़ोतरी की हम लोगों ने मांग की है कि गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की जाए। दूसरा है जो आवारा पशु यानी जो छुट्टा गौवंश घूम रहे हैं जगह जगह, इनके द्वारा इनके रोड पर आ जाने से कई हादसे हो जाते हैं, इनको पकड़वा करके गौशालों में बंद करवाए जाने की मांग की है। तीसरा भी मुद्दा हमारा जो है वो भी बहुत मेन मुद्दा है कि जैसे हमारे यहाँ जो पूरे प्रदेश में जो सुवित्तपोषित विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, इनमें क्या होता है कि योग्य शिक्षकों की जगह अयोग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जा रहा है, जिससे क्या होता है किसान तो पूरी फीस देता है अपने बच्चे की, लेकिन उसको उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो हमारी इसमें ये मांग है कि परिषदीय विद्यालयों के स्तर पर, जैसे परिषदीय विद्यालयों में अध्यापक का नाम, पदनाम, योग्यता और सब्जेक्ट लिखा जाता है, सूची बनती है, इसी तरह हमारी मांग है कि महाविद्यालयों में भी इनकी जो है सूची बने, जिससे छात्र छात्राओं को अपने योग्य शिक्षकों की जान पहचान हो सके। यदि मांग नहीं पूरी होती है तो अगला आपका क्या कार्य? अगर हमारी लोगों की ये मांगें नहीं पूरी होती हैं, क्योंकि ये जनहित की मांगें हैं, यदि इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है सरकार या प्रशासन, तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।